देखिए, जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में बहुत से नाम और टर्म होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टर्म के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को उस टर्म का मतलब भी बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में खुद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी बीमारियाँ उसमें मेंशन की गई रहती है, आप उस बीमारी को भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम इस वीडियो में पूरे पेट के अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पेट में मौजूद 6 अंगों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं, जिसमें की है गॉल ब्लैडर, इंस्टेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज। इन सभी 6 पार्टों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कभी कभी इन सभी पार्टों में अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर में हमें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? फर्स्ट टर्म में आता है हिपेटोमिराली, या लार्ज लीवर भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कि लीवर का साइज बढ़ जाना या कभी इन्फेक्शन के वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। लीवर की ये एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं स्टेटोटिस, यानी जिसे फैटी लीवर भी कहा जाता है। अगर तो यदि मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताऊँ तो लीवर में फैट जमा हो जाता है। ये प्रॉब्लम लीवर में देखने को मिलती है। अब हम साथ आप ये भी जान लीजिए, फैटी लीवर कई तरीके के होते हैं, इसमें कई टर्म्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में आपको कॉलीस्टेटिस, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको कॉलीलिथियासिस भी देखने को मिल सकती है, जिसका मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। अब बात करते हैं हम किडनी के बारे में। किडनी में आपको कॉमनली एक प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। किडनी में कॉमनली एक प्रॉब्लम हद से ज्यादा देखने को आपको रिपोर्ट में मिल सकती है, जिसका नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस के मतलब की बात करें तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और नेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी में पानी जमा हो जाना, या हम ये भी कह सकते हैं किडनी में पानी इकट्ठा हो जाना। किडनी में आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जिसे कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन हो जाना, स्टोन यानी कि किडनी में पथरी का हो जाना। किडनी की ये दोनों प्रॉब्लम आपको रिपोर्ट में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, एस्पिरिन में एक प्रॉब्लम जो कि कॉमनली देखने को आपको मिल सकती है, जो कि हद से ज्यादातर लोगों में यही पाया जाता है, एस्पिरिन का साइज बढ़ जाना, जिसे कहते हैं एस्पिनोमैगली। आपको रिपोर्ट में एस्पिनोमैगली देखने को मिले तो आपका साइज बढ़ गया है। अब हम बात कर रहे हैं आंत के बारे में। आंत में बहुत से टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि सीधे हाथ की तरफ होता है, जिसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। आपको एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी आंतों में बहुत से टर्म्स पाए जाते हैं। आप लोग उन टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर।